हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे एक अमेरिकन साइफाई लव क्राफ्टन हॉरर। देखो यार, लव क्राफ्टन इस वर्ड को याद रखो। कलर आउट ऑफ स्पेस मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। खैर मूवी कैसी है वो तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने आज सही गेस किया कि भाई मैंने कौन सी मूवी के बारे में कम्युनिटी पोस्ट में उनसे पूछा था। तो यार ये उनके नाम है, तो थैंक यू सो मच भाई लोग। इसी तरह से अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहना। चलिए अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जो कि स्टार्ट होती है नेथन गार्डनर से और उनकी फैमिली से। नेथन अपने शहर के घर को छोड़ के अपने विलेज आता है, जहाँ पर इनके फादर का घर है और साथ साथ इनका एक फार्म भी है। स्टार्टिंग में इसकी फैमिली में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फार्म में शूटिंग स्टार क्रैश होता है। फिर तो उसके बाद ट्विस्टेड टर्न्स आते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। खैर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि है कॉस्मिक हॉरर पर बेस्ड। अब ये कॉस्मिक हॉरर ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबसे पहला लिखा था एक ऑथर जिनका नाम है H.P लवक्राफ्टन, और उन्हीं की शॉर्ट स्टोरी पे इस पर्टिकुलर मूवी को बनाया गया है कलर आउट ऑफ स्पेस। कॉस्मिक हॉरर क्या है तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो कैरेक्टर होता है उसके सामने जो क्रीचर होता है, जो एंटिटी होता है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। और इस पर्टिकुलर एंटिटी का कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। अपने बर्ड बॉक्स मूवी देखी होगी तो वहाँ पर कॉस्मिक हॉरर का यूज़ किया है, जहाँ पर हमें उस क्रीचर को बताया नहीं है। बस जब भी कोई कैरेक्टर उस क्रीचर को देखता है तो वो सम्मोहित हो जाता है, या सुसाइड करने पे मजबूर होता है, या एक अलग सा बदलाव आ जाता है, और वो उस क्रीचर से डरता तो है लेकिन वो क्रीचर हमको देखने ही नहीं मिलता है एज ऑडियंस। और यहीं पे कॉस्मिक हॉरर जो है ना अपना काम कर देता है, ताकि जो ऑडियंस है वो इमेजिन करे कि भाई ये क्रीचर आखिर दिखता कैसे। और इस पर मूवी बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर जॉनर में, जो कि हॉरर का एक सब जॉनर है, इस पर आपको बहुत ही कम मूवी देखने मिलती है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो वर्थ वॉच होता है, और बहुत कम मेकर्स इसको जस्टिस कर पाते हैं। और कलर आउट ऑफ स्पेस उन्हीं मूवीज़ में से है कि जो बहुत ही टेरिफिक है, एटलीस्ट मुझे लगी। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे इस मूवी की तो यार बहुत ही गजब लगा। जो विजुअल्स थे यार बहुत ही स्टनिंग है, VFX बहुत ही अच्छी तरह से किया, और जो कलर्स का यूज़ किया यार लाजवाब। एक डर है वो आप लोग महसूस कर पाते हो, और थ्रू आउट द मूवी आप फील कर पाते हो कि मेकर्स हमें बताना क्या चाहता है। और बहुत सारे सीन्स तो ऐसे इस मूवी में जहाँ पर जो फ्रेम है वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, ऐसे लगता है कि मानो मेकर्स हमें उस पर्टिकुलर सीन के बारे में बिना किसी डायलॉग के बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे सबसे ज़्यादा टेरिफिक लगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जो स्टैंड आउट करते हैं वो है निकोलस केज, जिन्होंने अपने रोल को बहुत ही गजब का निभाया। और जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती वैसे वैसे उनके कैरेक्टर में जो चेंजेस आ रहे थे, जो फेशियल एक्सप्रेशन, जिस तरह से डायलॉग डिलीवर कर रहे थे, मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा है तो जो इंग्लिश में देखने का मजा है वो हिंदी डब में भी नहीं है दोस्तों। BGM की बात करें तो एकदम परफेक्ट, हर एक सीन को जो एक कैरी करना चाहिए ना वो उसका BGM कर रहा था, मुझे परफेक्ट लगा इसका BGM। बाकी लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। उसके अलावा इस मूवी की अगर एडिटिंग की बात करो तो एडिटिंग भी अच्छी है, मूवी की लेंथ ज़्यादा नहीं रखी गई है। और कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यार कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से लिखा है, एटलीस्ट आप नेथन गार्डनर की फैमिली से इतना कनेक्शन बना लेते हो, या उनकी सिचुएशन से आप इतना खुद को कनेक्ट कर लेते हो कि जो जो चीज़ें होती है वो आपको फील होती है। और कुछ मोमेंट्स ऐसे जहाँ पर आपको लिटरली डर भी लगता है, कुछ जंप स्केयर्स के सीन है, कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सीन है जो आप लोग प्रेडिक्ट भी नहीं करते, और बस होता तो आप चौंक जाते हो। मूवी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और एंडिंग देख के ऐसा लगता है कि शायद मे बी हमें इस फ्रेंचाइज में और भी मूवीज देखने को मिले, जो कि अगर होता है पॉसिबल तो बहुत अच्छी बात है। इसके जो डायरेक्टर है रिचर्ड स्टैनली, उन्होंने इस पर्टिकुलर जॉनर को बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन पर उतारा है, और मैंने वो शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना उन्होंने सिमिलर किया, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी यार मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हाँ इसकी हिंदी डबिंग की बात करेंगे तो यार वो फैन डबिंग है या ओरिजिनल है मुझे नहीं पता, लेकिन डबिंग ठीक ठाक है, ज्यादा परफेक्ट नहीं है मगर ठीक ठाक है। रेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, मूवी की स्टार्टिंग में आपको कुछ एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, कुछ एकदम कुछ ही है जिसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो वॉयलेंस है, जो जो चीजें हैं वो कमज़ोर दिल वाले नहीं देख पाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी की बात करेंगे तो जो मेयर वाला एंगल था वो मेरे ख्याल से उसको स्किप कर देते या उस चीज़ को नहीं भी बताते तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इस मूवी की जो ओवरऑल लेंथ है ऑलमोस्ट 1 घंटे 50 मिनट, मेरे हिसाब से अगर 1 घंटे
30 मिनट की होती है, यानी कि 10 मिनट इस उड़ा देते तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो यार डेफिनेटली 7.5 आउट ऑफ 10 को ये मूवी देखे कहाँ, तो यार इन साइट्स पर जहाँ पर आपको ये फ्री में देखने को मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वीडियो बहुत लंबी हो गई, क्या करूँ, बाय।